अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। व्याख्या, जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए। इसका आप लोग ख्याल रखें, अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्र से वार नहीं करेंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहां शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहां शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहां ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाहलीक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह, इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे।
परंतु पितामह होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव, दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं, ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारते आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में यह मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है, जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंस के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहां ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोलक का है, ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है, इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी के बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है, ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है, ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। कर्म को अत्यंत सुगमतापूर्वक द्योतन करने के लिए जहां कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्म कर्त्र प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बनाने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे यहां बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी
कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर यानी जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजते थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मां नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहां पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर यानी अर्जुन और नारायण यानी भगवान कृष्ण को नमस्कार किया गया है। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहां शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी नहीं मिट सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं, इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है, अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहां सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान भी ऊंचा हो गया।